हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 ज्योमेट्री का ये चैप्टर है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में फिलहाल सम नंबर 5th, 6th के सब क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 और 7th सम इस वीडियो में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे सारे नए नए वीडियोस के मिलते रहेंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ प्रैक्टिस सेट 1.1 सम नंबर 5th। सो प्लीज All of you, be with me till the end of video. So friends, please focus कीजिए। Sum number 5th हम शुरू करने जा रहे हैं। Point x, y, z are collinear. Point x, y, z क्या है हमारा? Collinear है। फिर उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे? Such that distance x, y equals to 17, distance y, z equals to 8. हम लोगों को distance x, z find करना है, ठीक है? तो हम लोग ये एग्जैक्ट फाइंड तो कर देंगे, बट हम लोगों ने जैसे फोर्थ सम किया था, अलग अलग केस लेके क्या किया था हम लोगों ने, एक बार एक्स को हम बिटवीन लेंगे किसके, वाई और जेड के, फिर वाई को बिटवीन लेंगे हम एक्स और जेड के, और जेड को बिटवीन लेंगे एक्स और वाई के। इस तरीके से ही हम लोगों को तीन केसों को सॉल्व करना होगा। ये थ्री केस को हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा जो भी कुछ काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये सम हमारा कंप्लीट होगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम प्रेजेंट करते हैं बोर्ड पे। सो प्लीज फ्रेंड्स, फोकस ऑन बोर्ड। हमारा सबसे पहला लाइन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन पॉइंट, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे? पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर क्या है? कोलीनियर है और डिस्टेंस हमारा x, y कितना दिया है? 17 दिया है और डिस्टेंस y, z कितना दिया है हमको? 8 दिया है। अब मैं डायरेक्टली ये तो मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 1। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? केस 1 बराबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट y lies between x एंड z। क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉइंट, ये जो y है ना हमारा, कौन सा पॉइंट y हमारा लाए करता है किसके बीच में? x और z के बीच में, ठीक है ना? तो एक्स वाई कितना दिया है दोस्तों? 17 दिया है और ये कितना है? 8 है, ठीक है ना? तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा हम लोगों का? 25 आई थिंक सो, ठीक है। तो xz हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? 25 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना था xz का, हमने सिंपली तरीके से फाइंड कर लिया है। चलो अब ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते, हम सम को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस x, z इक्वल्स टू क्या आएगा? डिस्टेंस x, y प्लस डिस्टेंस क्या है ये हम लोगों का? y, z। अब xz तो मुझे फाइंड करना ही है, xy कितना दिया है भाई हमको? 17 दिया है, प्लस yz कितना दिया है हमको? 18 दिया है। तो डिस्टेंस मेरा xz कितना है? 25 है। कब ये 25 है? जब मेरा पॉइंट y लाई कर रहा है x और z के बीच में। अब मैं आ जाता हूँ केस 2 के ऊपर। कोस हो गया वो तो। केस टू क्या कहता है? तो यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट z लाए बिटवीन, किसके बिटवीन रहेगा ये? तो x एंड y, पॉइंट z लाइज बिटवीन लिखो, ठीक है ना? चलो अब करते हैं। z किसके बीच में भाई? यहां पे है,
तो यहाँ और यहाँ क्या है हमारा x और y है, ठीक है ना। चलो तो xz कितना है हमारा, xz तो फाइंड करना है हमको, चलो कर लेंगे कोई बात नहीं। अब तो यहाँ पे हमको xy कितना है, xy हमको यहाँ पे पता है ये है 17, ठीक है, और yz कितना है हमारा 8 है, ठीक है। तो 17 में से अगर 8 चला जाता है तो ये कितना आ जाएगा हमको, 9 आ जाएगा। बस xz हमारा 9 कब है, जब जब z हमारा बीच में है किसके, x और y के, ठीक है ना। चलो तो हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का डिस्टेंस x कॉमा y इक्वल्स टू डिस्टेंस x कॉमा z प्लस डिस्टेंस z कॉमा y, ठीक है ना। तो xy कितना दिया है दोस्तों हम लोगों को, 17 दिया है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, xz करना है, तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग xz, फिर हमारा वो zy कितना है, zy हमारा 8 है, ठीक है। तो अब हो गया सब कुछ हमारा कंप्लीट, तो डिस्टेंस xz इक्वल्स टू क्या हो रहा है ये 17 माइनस 8, तो डिस्टेंस x, therefore यहां लिखेंगे xz इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब लास्ट केस हम लोगों को सॉल्व करना है, क्या करना है दोस्तों, लास्ट केस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वहां पे मैं डालूंगा किसको, पॉइंट हमारा क्या है, x lies between, किसके बिटवीन रहेगा ये, तो y एंड z, ठीक है, बिटवीन y एंड z। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या होगा जरा समझिए आप, जैसे यहां पे मैंने ये डाल दिया, यहां पे x डाल दिया, ये समझो मेरा y है, ये z है, ठीक है। अब जरा बात को समझो, बहुत शांति से समझना सब बात को, xy कितना दिया है हम लोगों को, 17 दिया है, कितना दिया है 17, और yz हमारा है सिर्फ 8, क्या है ये 8 है। अरे क्या कोई एक टुकड़ा बड़े टुकड़े से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं ना, कभी भी बड़ा टुकड़ा बड़ा होएगा और जो छोटा टुकड़ा है उसका जो सेंटीमीटर होगा वो कम होगा, तो ये यहाँ पे बराबर बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाउएवर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाउएवर एक्स वाई इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ये, वाई जेड से, ठीक है। तो दस द अजम्पशन क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा नहीं लिखना है भाई, डिस्टेंस करके लिखना है, सॉरी गलती हो गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस x कॉमा y इज ग्रेटर देन डिस्टेंस y कॉमा z, ठीक है ना। अब ये हो गया हम लोगों का, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे अब लिखना होगा thus the assumption, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, thus the assumption that point x lies between y and z is incorrect। I hope कि आपको ये जो फिफ्थ सम था अच्छी तरीके से समझ गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब सिक्स्थ सम पे जाते हैं और फोकस करते हैं इसका सब क्वेश्चन फर्स्ट वाला, क्या है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो हम लोगों को क्या बोला है, स्केच प्रॉपर फिगर, तो चलो ना भाई हम लोग स्केच करते हैं इसका पहले प्रॉपर फिगर, क्या है यहाँ पे ए बी सी कोलिनियर है, चलो हमने भी कर दिया, कोई वादा नहीं भाई हमको,
तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये AC कितना है हमारा 11 है, BC कितना है दोस्तों 6.5 है। तो अगर ये 11 है और वो 6.5 है तो हम लोगों का AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा 4.5 होएगा। सिंपल सी बात है, 4 + 6 कितना होता है हम लोगों का 10 होता है, और 0.5 + 0.5 1 हो जाएगा, तो 10 + 1 11 हो जाएगा। बस यही लिखना है हम लोगों को। अब इसको हम लोगों को खाली प्रेजेंट करना है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, डिस्टेंस ए कॉमा सी इक्वल्स टू, क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस बी कॉमा सी। AC, AC कितना दिया है भाई हम लोगों को, 11 दिया है, इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी जैसा था वैसा ही हम लोग लिखते हैं अभी भी, क्योंकि भाई यही तो फाइंड करना है, इसी के वजह से ही तो हम लोगों को ये सॉल्व करने मिला है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसको कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस ए कॉमा बी इक्वल्स टू, क्या आएगा ये 11 - 6.5, तो डिस्टेंस ए कॉमा बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये हम लोगों का 4.5, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से ये कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पे सॉरी 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 डिस्टेंस क्यों लिखा है हम लोगों ने, लेंथ आएगा ये सब में, हम लोगों को लेंथ लिखना है। सॉरी यहाँ पे हम लोगों को लेंथ लिखना है, मैंने जहां जहां डिस्टेंस लिखा है वो हटा दीजिए आप, और ये कॉमा को भी हटा दीजिए, गलती हो जाती है, इंसान है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों को लेंथ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो लेंथ कर देते, कोई वादा नहीं, ये हो गया लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने ये लेंथ लिख दिया, और ये कितना आ गया मेरा 4.5 यूनिट्स, ठीक है ना। चलो अब ध्यान रखेंगे हम लोग जब ये सम सॉल्व करेंगे, तो क्या है हम लोगों का, एस इज बिटवीन ऑफ व्हाट, आर एंड टी। चलो अब क्या करूं भाई मैं, एस टी, एस टी कितना दिया है हमको, 3.7 दिया है, ठीक है ना, और आर एस कितना दिया है हमको, 2.5 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3.7 + 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 2.56, कितना आंसर आ रहा है, 6.2, ठीक है ना। तो हम लोगों का ये जो आर टी है ये कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे, 6.2, ठीक है ना। चलो करते हैं अब इसको सॉल्व हम लोग, कितना आएगा इसका आंसर, 6.2 यूनिट्स। चलो तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लेंथ, क्या है ये हम लोगों का, आर टी इक्वल्स टू लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी, ठीक है। आर टी, आर टी हमको पता नहीं है, आर एस कितना है दोस्तों हमारा, 2.5 है, ये कितना है हमारा, 3.7 है, तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, 6.2 यूनिट्स, ठीक है। तो लेंथ आर टी इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरा, 6.2 यूनिट्स। बस 3 स्टेप का सम है ये, कंप्लीट हो जाता है भाई फटाफट, क्या कर सकते हैं हम लोग भी। अब ये एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है भाई, मिडल में वाई मैंने मिडल में लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा जेड। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स जेड कितना दिया है, जो जितना दिया है ना उतना लिख दो भाई चुपचाप, कितना है ये, 3√7 है बराबर ना, और ये एक्स वाई कितना है हमारा, √7 है, ठीक है। तो 3√7 - √7 अगर कर देंगे हम लोग को, तो ये कितना आ जाएगा, 2√7, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 2√7। सिंपल, बस यही हम लोगों को प्रेजेंट करना है, तो कर देते हैं यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। लेंथ हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स जेड लिखूंगा मैं, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू लिखूंगा लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ एक्स जेड, ठीक है ना। तो एक्स जेड हमारे, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन मत कीजिए आप, ये कितना है, 3√7 लिखो यहाँ पे, हमको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई ना, सॉरी वाई जेड, तो
तो ये यहाँ पे भी एक होएगा वैल्यू, और ये यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ऐसा, ठीक है ना। चलो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनली, ये हो जाएगा एक्स जेड इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3√7 - √7। तो व्हाट विल बी द आंसर, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2 √7, सो आवर आंसर विल बी 2√7। सो इट्स अ वेरी सिंपल सम। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू 7 विच इज अवर लास्ट सम। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। देखो यार ये बहुत ही सिंपल सा सम है, आ सकता है ये एग्जाम में। विच फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको पता है क्या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? पहली बात तो है ना, जब भी हम लोगों को कोई चीज बोलते हैं ना उसका उल्टा करने का, हमको क्या पूछा है, नॉन कोलिनियर। हम पहले पता करेंगे क्या क्या कि हमको कोलिनियर का मतलब पता है क्या भाई। कोलिनियर मतलब होता है कि एक लाइन में जो चीज होती है, एक लाइन में चीज नहीं, एक लाइन में जब हमारा पॉइंट होते हैं 3 तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। समझ गया ना मुझे क्या समझाना है? मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है ना, क्या है हमारे यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स है ना वो हमारे लाइन में नहीं होने वाले है। क्या नहीं होने वाले है? जैसे 1 पॉइंट यहाँ लिया, 2nd पॉइंट हमने यहाँ ले लिया थोड़ा ऊपर, और ये 3रा पॉइंट हमारा यहाँ है। तो अब भाई देखो ना क्या बन रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, ऐसा ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ये तो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे स्केल वगैरह नहीं यूज किया है तो ये थोड़ा बहुत उल्टा उल्टा, मतलब थोड़ा बहुत आपको लाइन आड़ा तेड़ा लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है हम लोगों का, जब हम लोग 3 कोलिनियर पॉइंट्स को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, ट्रायंगल, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे विच फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, फिर यहां पे लिख दो चाहिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए कॉमा बी कॉमा सी, चलो नाम दे रहा हूं ना मैं उनको, डरो मत डरो मत, ये जो ए बी सी 3 पॉइंट्स है हमारे, ठीक है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। आर क्या है ये हम लोगों के, नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड फॉर्म्स ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब ये आपको कोई इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो लिख दिया हमने एक्स्ट्रा का और एक एक्सप्लेनेशन, बस इतना ही लिखते, कुछ नाम नहीं देते तो भी चल जाता। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था 1.1 समझ गया है अच्छी तरीके से, अभी जो वीडियो में किया है वो भी समझ गया है, और जो पहले के वीडियोस में थे वो भी समझ गए हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।